हर कल शाहम ने कुरेश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूल अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू अबूसफान से एक वक्ती अहद किया हुआ था जब अबू अबूसफान और दूसरे लोग हर कल के पास एलिया पहुँचे जहाँ हरकल ने दरबार तलब किया था इसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग उलमा, वुजराओ, उमरा बैठे हुए थे हरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है अबू सुफ़ियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि इस अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो फिर अपने तर्जमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं सुफियान से उस शख्स यानी मोहम्मद अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ ज़ाहिर कर देना सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुटलाएँगे तो मैं आप सल्ला वसलम की नस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता खैर पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख़्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है मैंने कहा वो तो बड़े ऊँचे अली नस्ब वाले हैं कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी मैंने कहा नहीं कहने लगा अच्छा उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है मैंने कहा नहीं फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने मैंने कहा नहीं कमज़ोरों ने फिर कहने लगा उसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है मैंने कहा नहीं कहने लगा क्या अपने इस दावे नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है मैंने कहा नहीं और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर मुद्दत ठहरी हुई है मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तु में शामिल न कर सका हरकल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी हुई है हमने कहा कि हाँ बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं हरकल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ़ एक अल्लाह ही की इबादत करो उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिरक की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने सच बोलने परहेजगारी और रहमी का हुक्म देता है ये सब सुनकर फिर हर कल ने अपने तर्जमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हमसे आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की यह बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुज़रा है तो तुमने कहा कि नहीं तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुज़ुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने आबाओ अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगम्बरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरो गोई का इल्ज़ाम लगाया है तुमने कहा कि नहीं तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोह गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरो होते हैं या कमज़ोर आदमी तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी इतबा की है तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुतबयीन होते हैं और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हती कि वो कामिल हो जाता है और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तिद भी हो जाता है तुमने कहा नहीं तो ईमान की खासियत भी यही है जिनके दिलों में उसकी मसरत रच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं तुमने कहा नहीं पैगंबरों का यही हाल होता है वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं सच बोलने और परहेज़गारी का हुक्म देते हैं लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो करीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं मुझे मालूम था कि वो पैगम्बर आने वाला है मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा अगर मैं जानता कि उस तक पहुँच सकूँगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ़ गवारा करता अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाउंड होता हरकल ने रसूल्ला अलैहि वसल्लम का वो ख़त मंगाया जो आपने वहिया कल भी हो के ज़रिए हाकिम बसरा के पास भेजा था और उसने वो हर कल के पास भेज दिया था फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है शाह रोम के लिए उस शख़्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीनों दुनिया में सलामती नसीब होगी अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा और अगर आप मेरी दावत से रूगरदानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा और अहल ए ए किताब एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां है वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए फिर अगर वो अहल किताब इस किताब से मुंह फेर लें तो मुसलमानों तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो हम एक खुदा के तहत गुजार हैं अबू सुफियान कहते हैं जब हर कल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़ कर फारिग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर गोगा हुआ बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कपशा के बेटे आ हज़रत सल्लासम का मामला तो बहुत बढ़ गया देखो तो इससे बनी असफर रोम का बादशाह भी डरता है मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे हती कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया रावी का बयान है कि इब्ने नातूर एलिया का हाकिम हर कल का मुसाहिब और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हर कल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं क्या वजह है इब्न नातूर का बयान है कि हर कल नजूम था इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है भला इस ज़माने में कौन लोग ख़तना करते हैं उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई ख़तना नहीं करता सो इनकी वजह से परेशान न हो सल्तनत के तमाम शहरों में यह हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हर कल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था उसने सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए जब हर कल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो ख़तना किए हुए है या नहीं उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो ख़तना किया हुआ है हर कल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो ख़तना करते हैं तब हर कल ने कहा कि यही मोहम्मद अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया ख़त लिखा और वो भी इल्म नजूम में हर कल की तरह माहिर था फिर वहाँ से हर कल हम्स चला गया अभी हम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का ख़त उसके जवाब में आ गया उसकी राय भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहूर के बारे में हर कल के मुआफिक थी कि महम्मद अलैहि वसल्लम वाकई पैगम्बर हैं उसके बाद हर कल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हम्स के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाज़े बंद कर लिए गए फिर वो अपने ख़ास महल से बाहर आया और कहा ए रोम वालो क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयाद कर लो और मुसलमान हो जाओ ये सुनना था कि फिर लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े मगर इन्हें बंद पाया आखिर जब हर कल ने इस बात से इनकी ये नफरत देखी और इनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ जब वो दोबारा आए तो उसने कहा मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी सो वो मैंने देख ली तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए बिलाखिर हर कल की आखिरी हालत ये ही रही सही बुखारी हदीस नंबर सात